हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में इंडिया में इस समय लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, क्वारंटाइन डेज चल रहा है, जिसकी वजह से क्लास 12th की स्टडी बिल्कुल रुक चुकी है। जो बच्चे अभी अभी 11th पास आउट करके 12th क्लास में आए हैं उनकी स्टडी नहीं हो पा रही है और काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उन्हीं बच्चों के लिए जिनकी स्टडी रुक चुकी है, उन्हीं बच्चों के लिए मैं एक 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के ऊपर ला रहा हूँ वीडियोस। अब मैं आपको 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, जिसमें कि आपको मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हम बात करते हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की। यहाँ पे आपकी दो बुक्स है, एक बुक का नाम है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक का नाम है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप क्लास 11th के अंदर भी दो बुक्स लेके आए थे, दो बुक्स आपने पढ़ी थी। एक बुक का नाम था माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक बुक का नाम था स्टैटिस्टिक्स, जबकि यहाँ पे दो अलग बुक है। एक बुक का नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि 40 मार्क्स की है और दूसरी बुक का नाम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि 40 मार्क्स। दोनों ही बुक्स 40-40 मार्क्स कैरी करती है और 20 नंबर का बच्चों आपका होगा प्रैक्टिकल। तो 40 मार्क्स मैक्रो के, 40 मार्क्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के, तो कुल मिला के 100 मार्क्स का आपके पेपर आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स की। पहले हम जानेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन सी यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है नेशनल इनकम जो कि 10 नंबर की है, उसके बाद यूनिट नंबर 2 मनी एंड बैंक जो कि 6 नंबर की है, उसके बाद यूनिट नंबर 3 इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स, यूनिट नंबर 4 गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स एंड यूनिट नंबर 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। ये पांचों यूनिट्स आपको पढ़नी है और ये टोटल 40 मार्क्स आपके आ जाएंगे। इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप समझेंगे अच्छे से तो गारंटीड आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में 40 में से 40 अचीव कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की, मनी और बैंकिंग की। तो शुरू करते हैं मनी और बैंकिंग। देखो पहले चैप्टर का नाम समझ लेते हैं। इस चैप्टर में नाम में एक वर्ड है मनी और एक है बैंकिंग। आप लोग मनी आप जानते हो, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, लाखों रुपये, करोड़, ये सब मनी। आपने मनी के फॉर्म्स मतलब आपने नोट भी देखे, 10 रुपये का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 2,000 तक का नोट इंडिया में आ चुका है। एक तो हम पढ़ेंगे मनी के बारे में, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बैंक के बारे में। इसमें दो बैंक आप पढ़ोगे, एक पढ़ोगे आप सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक पढ़ोगे आप कमर्शियल बैंक जो कि हमारे नॉर्मल SBI, PNB, HDFC इन सब के बारे में। तो कुल मिला के आपको जो मनी के बारे में पढ़ना है, बैंक के बारे में पढ़ना है। मनी का पार्ट छोटा सा पार्ट है, दो वीडियोस में मनी खत्म हो जाएगा। और बात करें बैंकिंग की तो थोड़ा बड़ा पार्ट है, इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा वीडियोज जो है लग जाएगी। ये यूनिट जो है आपकी 6 मार्क्स की है और मैं आपको उस यूनिट को पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं मनी और बैंकिंग के कंसेप्ट नंबर 1 से, जिस कंसेप्ट नंबर 1 का नाम है बार्टर एक्सचेंज। यस, बार्टर एक्सचेंज जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विनिमय दर, वस्तु विनिमय प्रणाली। यस, बार्टर एक्सचेंज आपको पता होगा कि ये आपने 10th के अंदर पहले भी पढ़ रखा है। आपको पता होगा बार्टर एक्सचेंज का मतलब होता है गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करना, कि मेरे पास कुछ है, सामने वाले पर्सन के पास कुछ है, जब हम दोनों अपनी गुड्स का एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए, तो इसी को बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज। जिसका मीनिंग क्या बोलता है कि बार्टर सिस्टम एक वो सिस्टम है जहां पर गुड्स वर एक्सचेंज विद गुड्स, गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करते हैं, उसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। और ऐसी इकोनॉमी जहां पे केवल गुड्स और सर्विस के बदले गुड्स और सर्विस ही एक्सचेंज होती है, उस इकोनॉमी को बोलते हैं बार्टर इकोनॉमी या फिर CC इकोनॉमी, जहां पर सी का मतलब होता है कॉमोडिटी। एग्जाम्पल दिए मैंने कि जो नेबर्स हैं और वो बोट के बदले मोटरसाइकिल को एक्सचेंज करते हैं, तो यस, ये भी बार्टर सिस्टम एग्जाम्पल, बिकॉज दोनों गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि पिक्चर में दो पर्सन, एक के पास जो है मुर्गा है और एक के पास जो है फ्रूट्स है, तो एक पर्सन फ्रूट्स के बदले मुर्गे को एक्सचेंज करता है, ये भी बार्टर एक्सचेंज ही कहलाएगा। तो अगर बार्टर एक्सचेंज इतना इजी था कि सिंपल कुछ नहीं करना, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करो, झंझट खत्म पैसे का, कोई चाहिए ही नहीं पैसा, 500 का नोट, 1,000 का नोट, 10 रुपए, 20 रुपए, कुछ चाहिए ही नहीं पैसा, पैसों का झंझट ही खत्म। तो बार्टर एक्सचेंज को क्यों हटाया गया और आज के टाइम पे
इंडिया में ये पूरे वर्ल्ड में मनी क्यों लाया गया? तो बार्टर एक्सचेंज की जरूर कुछ करेगी कमियां, बिकॉज जब किसी चीज में कमी आती है तभी उसको हटाते हैं और उसके स्थान पर कुछ नया लेके आते हैं। तो जरूर बार्टर एक्सचेंज में कुछ ड्रॉबैक्स होगी, कुछ लिमिटेशंस होगी, कुछ डिफिकल्टीज होगी, कुछ कमियां होगी जिसकी वजह से बार्टर एक्सचेंज को हटाया गया। और याद रखना एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज की क्या लिमिटेशन है। तो आप एक काम कीजिए, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए कि ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए, आप इस पर स्टार बना लो कि ये जो है काफी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि बार्टर एक्सचेंज की क्या कमियां हैं और क्या समस्या है। बार्टर एक्सचेंज की समस्या नंबर 1, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स। यस, हिंदी में इसको बोलते हैं दोहरे संयोग का अभाव। इसका मतलब क्या है? तो उसका समझते हैं, मतलब देखो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस का वॉन्ट्स का मतलब है कि जो एक बायर है बेचने वाला, सॉरी खरीदने वाला, और एक सेलर है बेचने वाला, दोनों को एक दूसरे गुड्स पसंद आनी चाहिए तभी एक्सचेंज हो पाएगा। ऐसा नहीं है ना कि एक पर्सन को तो दूसरे पर्सन के गुड्स चाहिए बट उस पर्सन को पहले पर्सन गुड्स चाहिए ही नहीं, तो एक्सचेंज कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा एक फ्रेंड, तो मान लो मेरे को तो उसकी ड्रेस चाहिए पहनने को, तो मेरे को तो उसकी ड्रेस पहनने को चाहिए, वो गुड्स दे देगा, लेकिन उसको बदले में मानना चाहिए शूज। अब मेरे पास शूज तो है नहीं, तो जब मैं उसको शूज दूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास शूज है ही नहीं, तो क्या वो मेरे को अपनी ड्रेस देगा? नहीं। तो जरूरी है ऐसा हमेशा पॉसिबल हो बार्टर एक्सचेंज में कि दोनों पर्सन को एक दूसरे की गुड्स की नीड हो? नहीं, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इट मींस मेरे को ऐसे पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास ड्रेस भी हो और उसको शूज की नीड भी हो, बिकॉज फिर जब मैं उसको शूज दूंगा देन उसके ड्रेस में ले लूंगा, और ऐसे पर्सन को ढूंढना काफी मुश्किल होता है। तो यस, प्रॉब्लम नंबर 1 यही है, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है। बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली, तभी वर्क करेगा जब दोनों बायर और सेलर रेडी हो जाएंगे एक दूसरे गुड्स एक्सचेंज करने में, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, कि दोनों पर्सन रेडी हो जाए, डबल कॉन्सिडेंस दोनों की तरफ से रेडी होना बहुत ही कम होता है बार्टर एक्सचेंज में। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करें तो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे कि आज के टाइम पे क्या है, एक कॉमन वैल्यू हर चीज की, इंडिया में जितनी भी गुड्स है उनके कॉमन वैल्यूज रुपीज की, हर चीज को इंडिया में आज के टाइम पे हम रुपीज में एक्सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन क्या बार्टर एक्सचेंज में ऐसा पॉसिबल था? नहीं, बार्टर एक्सचेंज में ऐसा पॉसिबल नहीं था। बार्टर एक्सचेंज में तो कोई कॉमन यूनिट थी नहीं, वहां पे तो एक गुड्स की वैल्यू को दूसरे गुड्स में एक्सप्रेस करते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मेरे पास जो है 4 मुर्गी है, तो इन 4 मुर्गी की वैल्यू मैं रुपीज में नहीं बोल सकता कि मेरे को 100 रुपये चाहिए, 200 रुपये चाहिए, 400 रुपये चाहिए। बार्टर एक्सचेंज के टाइम पर मेरे को बोलना पड़ता था कि अगर किसी पर्सन को 4 मुर्गी चाहिए तो उसको बदले में इतने किलो टमाटर या इतने किलो जो है गेहूं ला के देने पड़ेंगे। तो पहले क्या था, एक गुड्स की वैल्यू दूसरे गुड्स में एक्सप्रेस करनी पड़ती थी, और कभी कभी तो एक्सप्रेस करना काफी मुश्किल हो जाता था, बहुत ज्यादा मुश्किल। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बोला कि मेरे पास 4 मुर्गी है, ये 4 मुर्गी तभी मिलेगी जब आप एक भैंस दोगे। अब एक सामने से पर्सन आया एक भैंस लेके, बोलता है मेरे को इससे केवल 2 मुर्गी चाहिए, तो क्या मैं उससे ये बोलूंगा कि अपनी आधी भैंस काट के दो और 2 मुर्गी ले जाओ? आधी भैंस का क्या काम होगा? कुछ काम नहीं सकता। तो बार्टर एक्सचेंज में गुड्स को एक्सप्रेस करना काफी मुश्किल था क्योंकि वहां पर कोई भी कॉमन यूनिट नहीं थी, वहां पे कोई भी एक ऐसी नहीं थी जिसके अंदर गुड्स का एक्सप्रेस किया जा सके, वहां पर प्रॉपर वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब से मनी आया तो मनी ने इस काम को इजी कर दिया, और आज के टाइम पे हर एक चीज की वैल्यू रुपीज में हम लोग इंडिया में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर एक्सचेंज में अगली समस्या ये आई कि यहाँ पे स्टोर करना मुश्किल है, यहाँ पे चीजों को स्टोर करना मुश्किल है, क्योंकि स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो स्पेस चाहिए जो इतना स्पेस नहीं था, दूसरा कुछ गुड्स ऐसी भी होती थी जो जल्दी ही खराब हो जाती थी, जिनके पेरिश होने के, बर्बाद होने के चांस जल्दी थे, तो उन्हें कैसे स्टोर किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं एक्सचेंज में टमाटोज लेकर आया, टमाटर लेकर आया, अगर मैं टमाटर को स्टोर करूंगा, और मान लो 5 किलो टमाटर लेके आया, उस टाइम तो फ्रिज भी नहीं था, तो मैं टमाटर को स्टोर करूंगा
बताओ वो 5 किलो टमाटर खराब नहीं हो जाएंगे? तो वहां पे वस्तु को स्टोर करना फिर मुश्किल था, क्योंकि वस्तु जल्दी खराब होती थी। या मान लो मैं एक्सचेंज में भैंस लेकर आया, अब उस भैंस को मैं कहाँ स्टोर करूंगा? कोई जगह है उसे कमरे में स्टोर करूंगा अपने, पूरा कमरा खराब कर देगी। तो वहां पे स्टोरेज की समस्या थी। वहां पे हम अपनी वेल्थ को जो हम कमा के लेकर आए, हम अपनी वेल्थ को अपनी कमाई को स्टोर नहीं कर सकते, तो स्टोर करना काफी मुश्किल था, क्योंकि स्टोरिंग में कुछ समस्याएं थी। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज करने की कॉस्ट ज्यादा थी, ठीक है। लॉस ऑफ वैल्यू, कभी कभी वस्तु खराब हो जाती थी उसकी लॉस भी हो जाता था। इट मीन्स क्या, हम अपनी परचेजिंग पावर को स्टोर, अपनी कमाई को स्टोर नहीं कर सकते थे। अगर मैं 5 किलो टमाटर लेके आ गया कि भविष्य में इनसे ये खरीद लूंगा, तो 5 किलो टमाटर तो 2 दिन बाद खराब हो जाएंगे, तो मैं कैसे खरीद पाऊंगा? इट मीन्स कि हम अपनी परचेजिंग पावर को लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाते थे। तो ये तो हमने पढ़ी 3 समस्या जो कि बार्टर एक्सचेंज के अंदर हमको फेस करनी पड़ी। अभी 2 समस्या और है जो कि हमको बार्टर एक्सचेंज के अंदर फेस करनी है। और अगली समस्या नंबर 4 हमारी है, देखिए, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। यस, बार्टर एक्सचेंज में गुड्स को ट्रांसफर करने का भी मुश्किल था। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गुड्स का जाना इम्पॉसिबल था। आज का टाइम पे तो मनी है, आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई भाई जो मुझसे काफी दूर रहता है, 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दूर रहता है, और उसे किसी भी चीज की प्रॉब्लम है, तो मैं उसे सिंपल यही बोलूंगा कि मैं तुम्हें मनी ट्रांसफर कर रहा हूँ और आप वहीं से उस गुड्स को खरीद लो। लेकिन बार्टर एक्सचेंज के टाइम पर मनी नहीं था। अगर सामने वाले पर्सन को या मेरे भाई को जो मुझसे 500 किलोमीटर दूर रहता है उसे कुछ चाहिए, तो उसके पास मनी नहीं है कि वो कुछ भी खरीद सके। और डबल कौन सी डेंस ऑफ वांट भी हो रहा है, इट मीन उसके पास जो है उसे कोई लेने को रेडी नहीं है। तो मेरे को ही 500 किलोमीटर दूर जाकर उसको वो गुड्स देनी पड़ेगी। और जब मैं 500 किलोमीटर दूर जाऊंगा तो काफी एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि जिस किस थ्रू मैं जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल भैंस लेकर गया, घोड़ा लेकर गया, तो लेबर मेहनत लगेगी, ठीक है। उस भैंस या घोड़े के लिए चारा वारा भी चाहिए, तो काफी एक्सपेंसिव था, काफी लेबर लगती थी। इट मींस बार्टर एक्सचेंज में गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करना काफी मुश्किल था। लेकिन अगर मनी होता तो मैं सीधे मनी ट्रांसफर करता और वो पर्सन कुछ भी गुड्स खरीद सकता था। लेकिन बार्टर एक्सचेंज में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बार्टर एक्सचेंज के अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना जरूरी है। सामने वाले पर्सन को हमारी गुड्स भी चाहिए और हमें भी सामने वाले पर्सन की गुड्स चाहिए, तब जाकर एक्सचेंज हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। और अगली समस्या है हमारी लास्ट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। यस, डेफर्ड का बच्चों मतलब होता है फ्यूचर। बार्टर एक्सचेंज के अंदर फ्यूचर पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट्स को कैलकुलेट करना काफी मुश्किल था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं गाँव के साहूकार से या गाँव के जमींदार से 1 किलो चावल लेकर आया, समस्या थी, चावल लेकर आया। अब जब मैं उनको चावल वापस करने जाऊंगा, जब मेरी खेती होगी, तो क्या जरूरी है जिस क्वालिटी के चावल मैं लेकर आया था, जिस क्वांटिटी के चावल मैं लेकर आया था, मैं उसी क्वालिटी और क्वांटिटी में उनका वापस करूँ? चलो एक बार को क्वांटिटी सेम हो जाएगी, लेकिन क्या सेम क्वालिटी के चावल वापस कर पाऊंगा मैं? नहीं, मैं सेम क्वालिटी के चावल वापस नहीं कर पाऊंगा। मैं लेकर आया था बासमती चावल और मैं उनको वापस कर रहा हूँ टुकड़ा चावल। तो बार्टर एक्सचेंज में जो है फ्यूचर पेमेंट करना, इट मीन्स अगर आप कोई लोन लेकर आ रहे हो, फ्यूचर में कोई पेमेंट करोगे, तो वो करना काफी मुश्किल था, काफी रिटर्न करना काफी डिफिकल्ट था सेम क्वांटिटी और क्वालिटी गुड्स को। इसलिए बोलते हैं कि बार्टर एक्सचेंज में प्रिंसिपल अमाउंट और उसका इंटरेस्ट अमाउंट निकालना काफी मुश्किल था, जितना मैं लेकर आया वो और उसमें कितना इंटरेस्ट था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भैंस लेकर आया, तो क्या अगली बार जब मैं उनको वापसी भैंस देने जाऊंगा तो एक भैंस दे दी, अब क्या इंटरेस्ट के बदले दूसरे भैंस का सर दूंगा? बताओ, ऐसा पॉसिबल नहीं था ना बार्टर एक्सचेंज के अंदर कि मैंने एक भैंस दिया, इंटरेस्ट दूसरे भैंस का सर दे दिया। वहां पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट निकालना काफी मुश्किल था। तो ये सब समस्या हम लोगों को बार्टर एक्सचेंज के अंदर फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो ये थी 5 प्रॉब्लम जो कि बार्टर एक्सचेंज के अंदर हम लोगों को फेस करनी पड़ी। और इसी की वजह से, इन सभी समस्या की वजह से बार्टर एक्सचेंज लंबे समय तक नहीं चल पाया। और फिर इसके स्थान पर क्या आया? इसके स्थान पर आया मनी, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है हमारी। अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊँ कंसेप्ट नंबर 2 मनी के बारे में। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप थोड़ा वेट करना, थोड़ा इंतजार करना।
थैंक यू।